गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज आर चैप्टर्स इन योर रिवीजन सीट सोशल स्टडीज. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैप अ सर्कल इज द सिंबल ऑफ वेल. यानी कि जो सर्कल होता है मैप में, वो आपके एक वेल को रिप्रेजेंट करता है. इन मैप आपकी जो आपको एक लाइन शो हो रही है, जो कि एक डॉटेड लाइन है, जो शो करती है, एक सिंबल है स्टेट बाउंड्रीज का. यानी कि जहाँ पे भी मैप में स्टेट बाउंड्रीज होंगी, वहाँ पे आपको इस तरह से डॉटेड लाइन से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. ऑन फिजिकल मैप डार्क येलो कलर शो प्लैटू. यानी कि जितने भी आपके फिजिकल मैप होते हैं, उनमें डार्क येलो कलर से प्लैटू को शो किया जाता है. डायरेक्शन विच लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. यानी कि जो डायरेक्शन है आपकी, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है, हम उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं. विच इज़ नोन एज मिनिएचर वर्जन ऑफ अर्थ. आपकी अर्थ का जो मिनिएचर वर्जन है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम ग्लोब कहते हैं. क्योंकि ग्लोब क्या करता है? पूरी अर्थ को एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट करता है. द टॉप पॉइंट ऑफ ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. जो ग्लोब होता है, उसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं. विच मैप शो द बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड कंट्रीज. यानी कि ऐसा कौन सा मैप है जो आपको बाउंड्रीज रिप्रेजेंट करता है किसी स्टेट या किसी कंट्री की? तो वो मैप होगा आपका पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप ही स्टेट और कंट्रीज की बाउंड्री शो करता है. द इमेजिनरी लाइन्स दैट रन नॉर्थ टू साउथ मेरिडियन. यानी कि वो लाइन्स जो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, उन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं. द लाइन दैट डिवाइड अर्थ इंटू टू हेमिस्फीयर. यानी कि वो लाइन जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं. ग्रीनविच स्टेटेड सिचुएटेड इन विच सिटी. यानी कि जो आपकी ग्रीनविच जो जगह है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो लंदन में सिचुएटेड है. ये वो जगह है जहाँ से आपकी प्राइम मेरिडियन पास करती है. विच इज़ द लॉन्गेस्ट ओशियन? पैसिफिक ओशियन. सबसे बड़ा, सबसे विशाल ओशियन जो है, वो आपका पैसिफिक ओशियन है. लैटिट्यूड आर नोन एज मेरिडियन. जो भी आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं, उन्हें दूसरा नाम से जाना जाता है, मेरिडियन नाम से. विच इज़ टेम्पररी फिनोमिना. टेम्पररी फिनोमिना क्या है? वेदर. वेदर टेम्पररी है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता. सुबह कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और आपके इवनिंग में कुछ और. तो यानी कि जो वेदर है, वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है. टेम्परेचर डिक्रीज ऑन हाई एटीट्यूड. यानी कि जैसे जैसे आप किसी हाई एटीट्यूड वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है. इसका मतलब क्या हुआ? कि जैसे जैसे आप एटीट्यूड इंक्रीज होता चला जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन सराउंडिंग इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हमारे एयर में जो वाटर वेपर होती हैं, जो सराउंडिंग है हमारे आसपास, उसमें जो एयर मौजूद है, उसके अंदर जो वाटर वेपर्स होती हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. नेम द थ्री क्लाइमेटिक जोन. हमारे थ्री क्लाइमेटिक जोन होते हैं. पहला टॉरिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन, तीसरा फ्रिज जोन. टेम्परेट जोन वो जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी गर्मी रहती है, वो इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है. टेम्परेट जोन जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है. और फ्रिज जोन जहाँ पे बिल्कुल आपका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, बहुत कम हो जाता है. और ये दोनों आपकी कौन सी जगह है? आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एरिया. 17th आपका क्वेश्चन है, इमेजिनरी लाइन लैटिट्यूड आर डिवाइड अर्थ इंटू टू पार्ट, नेम दिस पार्ट. यानी कि जो इमेजिनरी लाइन है आपकी लॉन्गिट्यूड, वो अर्थ को क्या करती हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर देती हैं. वो कौन कौन सा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नेम फाइव ओशियन ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ पर फाइव ओशियन जो हैं, उनके नेम बताने हैं. तो क्या क्या हैं उनके नेम? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन. डिफाइन ग्लोब. ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ. आपकी अर्थ का मॉडल है, उसका एक मिनिएचर वर्जन है. क्वेश्चन नंबर 20, नेम द टाइप ऑफ मैप. मैप के टाइप बताइए. तो मैप आपके टू टाइप के होते हैं, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप.